भारतीय जनता पार्टी खुलदाबाद मंडल के उपाध्यक्ष अजय मिश्रा निवासी गंगागंज थाना करेली प्रयागराज ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारा सभागार में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक महिला अधिवक्ता से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उनकी दादी के मकान में महिला अधिवक्ता व उनके परिवार के लोग ने कब्जा कर रखा और आए दिन उनके साथ गाली गलौज किया करते हैं। आरोप लगाया कि SC ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। इससे पहले 2 मुकदमा भी महिला अधिवक्ता ने पंजीकृत करा लिया। भाजपा नेता का कहना है कि उनका पुलिस एक भी नहीं सुन रही है। इस मकान का विवाद न्यायालय में लंबित है। भाजपा नेता अजय मिश्रा ने बताया कि महिला अधिवक्ता न्यायालय की अवहेलना कर रही है और कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के यहाँ भी किया, लेकिन उनको कहीं से कोई राहत नहीं मिली। भाजपा नेता अजय मिश्रा ने पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात रखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके साथ न्याय हो और उन्हें न्याय मिले। आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या बात है, किससे आपको जान का खतरा है? गुंजा कनौजिया और प्रिया श्रीवास्तव दीपांजलि कनौजिया जो कि मेरे घर पे घुसती हैं और अवैध रूप से जो है SC ST का फर्जी मुकदमा लिखवाती रहती हैं, कपड़ा फाड़ करके लेट जाती हैं। किस विवाद में, किस मकान के विवाद में जो है मकान को कब्जा करना चाहती हैं और अपर जिला जज के जजमेंट की अवहेलना करते हुए पूरे मकान को कब्जा कर लिया है मेरे मकान पर। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है उस चीज़? हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। कोर्ट की अवहेलना हो रही है? कोर्ट की अवहेलना हो रही है। गुंजा कनौजिया की जिनका मकान है वो आपके कौन है? दादी थी। अरे हमारा पूरा परिवार का शामिल हार परिवार था और पूरा मकान मेरा है, क्योंकि सब मकान में पूरा मेरे नाम से हाउस टैक्स है, मेरे नाम से पानी का टैक्स है और बिजली के बिल, बिजली की चोरी करती भाई पकड़ी गई तो ये प्रीपेड मीटर लगवाया और फर्जी बिल 4,02,000 का बनाया। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? बिजली विभाग में मैंने किया,